अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में जो सबसे पहली जो खबर दोस्तों कुवैत से आ रही है, फायर फाइटिंग टीम सक्सेसफुली कंट्रोल एंड एक्सटिंग्यूज द ब्लेज। साथियों, वीडियो के स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो साथियों, बहुत ही भयंकर दोस्तों आग लगी थी। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक अरब हाउस है जो कि जलीब अल सुवेक एरिया में दोस्तों ये मौजूद है। वहां पे किसी वजह से दोस्तों इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हो। साथियों, आनन फानन में वहां पे भारी मात्रा में मीडिया डिपार्टमेंट, जनरल फायर फोर्स यानी फायर ब्रिगेड वाले को दोस्तों वहां पे बुलाया गया। फायर ब्रिगेड दोस्तों आने के बाद काफी मुशक्कत के साथ दोस्तों आग पे वहां पे काबू किया गया, यानी दोस्तों आग को बुझाया जा सका है। अच्छी खबर दोस्तों इसमें यह है, किसी की जान जाने की अब तक कोई खबर नहीं आ रही है, पर दोस्तों बताया जा रहा है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो भी जगह पर यह दोस्तों आग वगैरह लगी थी, पूरा दोस्तों जलकर वो खाक हो चुका है, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हो। तो साथियों, वैसे तो बहुत ही भारी नुकसान हुआ है, पर अच्छी खबर भी इसमें यह है, किसी की जान नहीं गई है। अगली खबर दोस्तों यार, कुवैत एंड यूएई डिस्कस बिलेटरल डिपोर्टिंग फिंगरप्रिंट ट्रैफिक लिंक। साथियों, कुवैत और यूएई के बीच में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में दोस्तों एक बातचीत चल रही है। बातचीत दोस्तों इस प्रकार का हो रहा है, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कुवैत में फिंगरप्रिंट सिस्टम किया जाने वाला है हर जगहों पर, जैसा कि जहाँ पर भी बहुत सारे जगहों पर दोस्तों जो है अभी भी फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, ताकि आपकी पूरी डिटेल जो है फिंगर के जरिए पूरा डिटेल सिस्टम में आ जाए। तो साथियों, कुवैत और यूएई मिलकर दोस्तों डिस्कस कर रहा है कि दोनों देशों के जितने भी नागरिक हैं ट्रैफिक लिंक में, सभी को फिंगरप्रिंट को दोस्तों डिस्क्लोज किया जाए, यानी दोस्तों एक दूसरे को दिया जाए, ताकि पूरी जानकारी लोगों के पास, दोनों मुल्कों के पास रहे। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा लोगों में, वहाँ पर क्राइम वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जो भी कुवैत में जो भी वहाँ क्रिमिनल केस जिन पर लगा हुआ है उस पर पूरी नज़र रहेगी, या फिर यूएई में जो भी लोग क्रिमिनल केस में उस पर पूरी नज़र रहेगी। तो इसी को लेकर दोस्तों कुवैत और यूएई के बीच में इसके बारे में डिस्कशन वगैरह फिलहाल अभी चल रहा है। यदि दोनों देशों के बीच में बातचीत वगैरह पूरी हो जाती है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है दोनों देश को एक दूसरे के जनता वहाँ पे जो रहते हैं फिंगरप्रिंट को वहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, नन कुवैती व्हीकल मस्ट क्लियर फाइन बिफोर लिविंग कुवैत। बहुत ही बड़ी दोस्तों खबर आ रही है। खबर दोस्तों यह है, कुवैत के जो एक्सेलेंसी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उनके तहत और ट्रैफिक लॉ के तहत अब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये बताया गया है कि जो भी नन कुवैती यानी जो भी प्रवासी हों, चाहे वो आप काम करने के लिए गए हों या फिर टूरिस्ट वीज़ा में गए हों, विजिट वीज़ा में गए हों, किसी तरह का वीज़ा में यदि आप गए हो, यदि आपने गाड़ी को चलाया है और किसी तरह का आप पे ट्रैफिक का फाइन आप पे लगा है, तो बिना फाइन भरे अब आप कुवैत से नहीं निकल पाओगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पे साफ तौर पे खबर को आप पढ़ सकते हैं, नन कुवैती व्हीकल मस्ट क्लियर फाइन बिफोर लीविंग कुवैत, यानी कुवैत छोड़ने से पहले आपको जो भी आप पे जुर्माना, आप पे फाइन वगैरह लगाया गया है, वो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई करके आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों, वो भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है साथियों, क्योंकि फिलिपिनो गैंग को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो के सामने फोटो देख लीजिए, ये सभी के सभी फिलीपींस के हैं, जो कि वर्कर वहाँ पे काम करते थे। तो एक तरह का गैंग दोस्तों इनका चलता था। तो जॉइंट ऑपरेशन के तहत और क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर के तरफ तहत दोस्तों वहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें नारकोटिक्स गैंग, नोटोरियस गैंग को पकड़ा गया है, जो कि फिलीपींस के नेशनल की वो लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिटिंग द अथॉरिटी कुवैत हैज़ बीन अपेयर्ड। दोस्तों अलग अलग वहाँ पे एक फॉर्जरी काम यानी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स के बनाने के आरोप में, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे यूज़ करने के आरोप में दोस्तों सभी फिलीपींस के वर्कर को वहाँ पे पकड़ा गया। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।